क्योंकि ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि हर जरूरतमंद के पास उसका चेहरा नहीं देखना, उसको कुछ भी नहीं देखना। भाई जो उत्तर प्रदेश का नागरिक है उसको सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। हाँ, हमने तंगे नहीं होने देंगे दिए, हमने अराजकता नहीं फैलने दी, हमने गुंडागर्दी भी नहीं होने दी, लेकिन विकास का सबको कराया, सबका साथ सबका विकास के साथ सब काम कराया। राशन सबको, और अभी तो एक शुरुआत है, अभी तो हमने तय किया है कि 10 मार्च के बाद अब सरकार बनेगी, सरकार बननी है इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, और 5 चरणों में 283 सीटों पर चुनाव 283 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं, और इतना चुनाव होने के बाद अब मैं कह सकता हूं जो चुनाव रुझान आए उसमें भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से आगे जा चुकी है। अब छठा चरण तो ऐसे जोरदार छक्का मारने का है कि फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्राप्त कर सके। और गोरखपुर में पिछली बार 9 में से 8 सीटें जिताई थी, इस बार 9 में से 9 सीट अगर गोरखपुर की जीत जाती है तो विकास फिर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए अभी बहुत सारे कार्य होने हैं, पिछली बार आपने देखा होगा कालेश्वर से जंगल कोडिया को हम लोगों ने बाईपास से जोड़ दिया है, सहजनवा में ओवरब्रिज बन गया है, अभी गोरखपुर से सहजनवा होते हुए जो मार्ग है ना इसको हम लोग 4 लेन से 6 लेन भी करने जा रहे हैं। सहजनवा बाजार की जो समस्या है इसका भी समाधान करेंगे, जो एक्सीडेंट वगैरह होते थे इसका भी समाधान करेंगे। अगर सहजनवा से आप लखनऊ जाना चाहेंगे तो 2 मार्ग आपके लिए हो जाएंगे, एक तो बस्ती होते हुए और एक अम्बेडकर नगर होते हुए जो रास्ता हम बना रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का, ये भी सहजनवा से ही होते हुए निकलेंगे। अटल आवासीय विद्यालय बना रहे श्रमिकों के बच्चों के लिए, अटल आवासीय विद्यालय की सुविधा यहीं पर हम दे रहे हैं जिसमें उन बच्चों को लाया जाएगा, अनाथ बच्चों को भी लाया जाएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा, अच्छी शिक्षा उनको दी जाएगी। भाई जब अपनी सरकार है तो कोई अनाथ कैसे, सबकी देखभाल करेगी सरकार। और इसीलिए ये सपा वालों ने तो यानी इन्होंने वृद्धजनों का, विधवा महिलाओं का और दिव्यांगजनों का पेंशन रोक दिया था, मैंने उसको बहाल भी किया, उसको बढ़ाया भी। इस समय हम 1 करोड़ ऐसे परिवार हैं जो वृद्धजन है या विधवा महिलाएं हैं या दिव्यांगजन है, 1 करोड़ ऐसे लोगों को 12,000 रूपये सालाना पेंशन दे रहे हैं, 12,000 रूपया सालाना। और हमने तय किया है इसको 18,000 करेंगे अगले 5 साल के अंदर 18,000। अभी तो दवा राशन दिया है, गोरखपुर में एम्स बन गया है, यहां से भी कुछ ही महीनों के अंदर सहजनवा में आप बैठे अगले 2 घंटे के अंदर वाराणसी पहुंच जाएंगे, 4 लेन वाराणसी की कनेक्टिविटी हो जाएगी। हल्दी में हम लोग पॉलिटेक्निक का निर्माण कर रहे हैं, जहां इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज जो कहा उस प्रकार के कार्य धड़ल्ले से हो रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं, बिजली पर्याप्त सबको बिजली, हर गरीब को राशन, हर गरीब को आवास की सुविधा, हर गरीब को आवास की सुविधा देंगे, हर गरीब को शौचालय दे दिए गए हैं। भेद कैसा, विकास सबका, सम्मान सबको, सुरक्षा भी सबको। और एक कार्यक्रम आगे बढ़ता है तो अभी तय किया गया है 10 मार्च के बाद जब सरकार बनेगी होली और दीपावली के अवसर पर उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध कराएगा। 60 साल से ऊपर की महिलाओं को
परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे। बेटी के लिए जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक पढ़ाई के लिए 15,000 रुपये हम दे रहे हैं वर्तमान में, इसको बढ़ा के 25,000 करेंगे। और बेटी की शादी के लिए, भाइयों बहनों, अब तक बेटी की शादी में 2017 में मैंने चालू की थी योजना। बहुत सारी बेटियां होती थी जिनकी शादी के लिए दिक्कत होती थी, परिवार के पास साधन नहीं थे, तो मैंने उस समय 35,000 रुपये एक व्यवस्था दी मुख्यमंत्री सामूहिक योजना विवाह योजना में। और सामूहिक विवाह योजना में 35,000 रुपये एक बेटी के लिए दिया, बाद में हमने उसको बढ़ा के 51,000 किया। और मैंने तय किया है इस राशि को बेटी की शादी के लिए, कन्यादान के लिए 1,00,000 रुपया हम लोग देंगे। कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी के लिए जो अच्छा अंक प्राप्त करेगी उस बेटी को स्कूटी भी फ्री में उपलब्ध करवाएंगे। नौजवान के लिए 1 करोड़ डिग्री कॉलेज में, आईटीआई में, पॉलिटेक्निक में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले जितने भी हमारे युवा छात्र हैं, इन सबको हम टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसकी कंप्लेंट की है, समाजवादी पार्टी कंप्लेंट की, तो हमने तय किया कि अब 1 करोड़ से इसको बढ़ा के 2 करोड़ करेंगे। और माँ बाप के ऊपर कोई खर्चा नहीं आने देंगे, सारा खर्चा सरकार उठाएगी। पहले 5 साल में इधर 5,00,000 नौजवानों को नौकरी दी है, अगले 5 साल के अंदर हमने तय किया है हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वतंत्र रोजगार के साथ जोड़ने, एक बड़ी कार्य योजना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सपा के लोग परेशान है, मैंने कहा भी कहा तुम इतना परेशान हो, कहा विकास हमने भी कराया है, मैंने कहा मैं जानता हूं तुम क्या विकास करा रहे थे। जब सपा की सरकार थी, भाइयों बहनों आपको याद होगा, यहां पे वहां बूचड़ खाना इस सेजनों में खुला रहे थे, खोल रहे थे ना, और रावत जी के गांव में हमने आंदोलन किया था उस समय, और प्रिंसिपल साहब के गांव में, यानी सड़क नहीं, बिजली नहीं, गरीबों को राशन नहीं, अच्छे स्कूल नहीं, सहजनों में क्या खोल रहे थे, बूचड़खाना। हमने बूचड़खाना नहीं खुलने दिया, हमने जितने अवैध बूचड़खाने के सब बंद करवा दिए, यूपी के अंदर सब बंद करवा दिए। हमने कहा था यही पाप कर रहे क्या करने के लिए, क्या जीव हत्या नहीं होगी, बूचड़खाने नहीं चलेंगे, अवैध बूचड़खाने पूरी तरह बंद करवा दिए गए। और भाइयों बहनों हमने ये भी तय किया है कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नुकसान नहीं होने देंगे, उसकी पक्का व्यवस्था भी करेंगे। वे परेशान है कहां से विकास का इतना पैसा आ रहा है आपके पास। मैंने कहा देखो तुम तो जब विकास के नाम पे बूचड़खाना खोलते थे तो बूचड़खाना हमें नहीं खुलने देंगे। मैंने तो उस समय सपा से कहा था कि भाई जब तुम सब कुछ सफाई लेके चलेगे तो इसको भी सफाई लेके चले जाओ, हमारी सरकार आएगी हम बना देंगे। हमने फर्टिलाइजर चालू कर दिया, एम्स बना दिया, सड़कें बना रहे हैं, जहां विकास की योजना की मांग होगी वहां पर हम विकास के कार्य कराएंगे। हमने यहां पे एक नया टाउन एरिया भी दिया है आपका गुनवल को, विकास तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। लेकिन विकास के साथ साथ बुलडोजर की गति भी थमनी नहीं चाहिए, मानते हैं ना, क्योंकि पैसा तो वहीं से निकलेगा ना, वही निकालेगा। और हमने तो बुलडोजर पे एक ऐसा यंत्र फिट कर लिया है वह चिन्हित करता माफिया को, दंगाइयों को, माफियाओं को, और फिर उसके ऊपर जोरदार तरीके से चढ़ता है ना,
अवैध कमाई जितनी है सब निकाल करके सरकारी खजाने में वापस आती है, और फिर उसी को हम लोग गरीबों के लिए राशन देने के लिए, सड़क बनाने में, बिजली देने में खर्च कर लेते हैं। लेकिन इस कार्य के लिए चाहिए दमदार सरकार। दमदार सरकार के समर्थन में है, बननी चाहिए ना। गोरखपुर की 9 के 9 सीट जितवाएंगे, प्रदीप शुक्ला को सहजनवा से भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, सभी लोग सहमत हैं। लेकिन एक शर्त है, शर्त ये चुनाव के दिन पहले मतदान और फिर परसों ही मतदान है, परसों मतदान है सुबह 7 बजे से। अपने अपने बूथ को संभालेंगे, अभी से जाकर के एक एक मतदाता के पास जाइए, सबसे बोलिए, एक ही बात बोलिए, महाराज जी ने कहा है कि बीजेपी को वोट देना है, ठीक है, बोलेंगे ना सभी लोग। तमाम चुनाव चिन्ह पर से प्रदीप शुक्ला को भारी बहुमत से विजयी बनाने के लिए, और इसके लिए अपील करते हुए भाइयों बहनों, भारी बहुमत से विजयी बनाइए, शानदार विजय के साथ सहजनवा के विकास की यात्रा शानदार तरीके से आगे बढ़ सके, इसके लिए आप सबका मैं आह्वान करते हुए आप सब मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।